Hello friends, myself Mr. Minal R. Patel, working as a lecturer in Mechanical Engineering Department from Vallabhbhuti Polytechnic, Navsari. Today I will discuss about the topic transducer for the subject measure metrology and instrumentation, subject code 334-1905. तो सर्वप्रथम आपणे ट्रांसड्यूसर नु इंट्रोडक्शन जोईए. तो जनरली यूज में लेवामां आवती मेजरिंग सीस्टम त्रण फंक्शनल एलिमेंट होय छे, जेमा जे वस्तुनु माप लेवानु होय ते वस्तुना प्रथम कॉन्टेक्ट में आता एलिमेंट ने सेंसिंग एलिमेंट अथवा ट्रांसड्यूसर कहेवामां आवे छे. एटले के ट्रांसड्यूसर ए एक एवो भाग छे के जे एनर्जी ने तेना एक फॉर्म मांथी बीजा फॉर्म में कन्वर्ट करे छे. आम ट्रांसड्यूसर ने एनर्जी कन्वर्टर पण कही शकाय. ट्रांसड्यूसर ने सेंसिंग डिवाइस तरीके पण गणी शकाय के जेना द्वारा भौतिक घटना अने रासायणिक बंधारण केमिकल कॉम्पोजिशन ने इलेक्ट्रिकल न्यूमेटिक के हाइड्रोलिक सिग्नल में रूपांतर कर सकाय छे. फॉर एक्जाम्पल थर्मोमीटरनो बल्ब, बर्डन ट्यूब, लाउड स्पीकर, स्ट्रेन गेज, फोनोग्राफ, पिकअप ट्रांसड्यूसर ना उदाहरणों छे. हवे आपणे जोईए ट्रांसड्यूसर ना एडवांटेजिस कया कया छे. तो भौतिक चलराशिनु इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रूपांतर करी आ भौतिक चलराशिनु माप मेळवू सरळ बने छे. मिकेनिकल आउटपुट धरावता अन्य मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटनी सरखामणीमां तेमां इलेक्ट्रिकल आउटपुट मळतो होवाने कारणे ते घर्षण अने इनर्सियानी इफेक्टथी मुक्त होय छे. मिकेनिकल आउटपुट धरावता मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होय तो एनी अंदर जनरली फ्रिक्शन अने इनर्सिया इफेक्ट लागती होय छे, ज्यारे इलेक्ट्रिकल आउटपुटमां आ असर होती नथी. थर्ड, आउटपुटनो एम्प्लिफिकेशन सरळताथी प्राप्त करी शकाय छे, एटले आ के आउटपुट ने आपणे मोटो करीने जोई शकीए छे. फोर्थ, इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल ने दूर सुधी वहन करी शकातो होवाथी रिमोट इंडिकेशन के रेकॉर्डिंग पण प्राप्त करी शकाय छे. हवे ट्रांसड्यूसरनो वर्गीकरण जोईए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर. तो एनी अंदर मोस्टली बे पार्ट में डिवाइड करवामां आवे छे, एक्टिव अने पेसिव ट्रांसड्यूसर. बीजू एनालॉग ट्रांसड्यूसर आवशे, जे आपणे पछीथी वात करीशुं. पहेला आपणे जोईए एक्टिव अने पेसिव ट्रांसड्यूसर. तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर, तो आ प्रकारना ट्रांसड्यूसर ने बाह्य इलेक्ट्रिसिटीनी जरूर पड़ती नथी, एटले के तेमने इनपुट आपवामां आवे तो डायरेक्टली ते जाते ज करंट अथवा वोल्टेज उत्पन्न करे छे, एटले तेमने सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर तरीके पण ओळखवामां आवे छे. फॉर एक्जाम्पल पीजोइलेक्ट्रिक पिकअप, थर्मोकपल, थर्मोपाइल, रेडिएशन पायरोमीटर, मूविंग कोयल जनरेटर अथवा फोटोवोल्टेइक सेल, आ बधा एक्टिव ट्रांसड्यूसरना उदाहरणों छे. आ प्रकारना ट्रांसड्यूसर ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर सप्लायनी जरूर पड़े छे. साने पेसिव ट्रांसड्यूसर ने आ जे भाग छे ए पेसिव ट्रांसड्यूसर में आवशे. फॉर एक्जाम्पल रेजिस्टन्स थर्मोमीटर, स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी टाइप प्रेशर गेज, थर्मिस्टर, हॉट वायर एनेमोमीटर, लिक्विड लेवल गेज, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर वगैरह. बराबर छे, जेने बाह्य इलेक्ट्रिसिटीनी जरूर पड़ती नथी ते एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहेवाशे, अने जेने बाह्य इलेक्ट्रिसिटीनी जरूर पड़े छे ते पेसिव ट्रांसड्यूसर कहेवाशे. बराबर, ओके. फॉर एक्जाम्पल पेसिव ट्रांसड्यूसर में आवशे रेजिस्टन्स थर्मोमीटर, स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी टाइप प्रेशर गेज, थर्मिस्टर, हॉट वायर एनेमोमीटर, लिक्विड लेवल गेज, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर एटसेट्रा. एना यूज में जोईए तो एनर्जी रूपांतरण की रीतों, आउटपुट सिग्नल प्रकार वगैरह ने आधार ट्रांसड्यूसर वर्गीकरण आप नीचे मुजब कर सकी. तो अहीं आगे एक टेबल दर्शावेलू है, जेमा ट्रांसड्यूसर प्रकार दर्शावेलो है, एना एक्जाम्पल बाजू में दर्शाया है अने एनो उपयोग दर्शाव्यो छे. तो सौ प्रथम लखेलू छे पेसिव ट्रांसड्यूसर, एमां रेजिस्टन्स ट्रांसड्यूसर. तो आज पांच प्रकारना छे ए रेजिस्टन्स ट्रांसड्यूसर कहेवाशे, जेमां पहेलू छे स्ट्रेन गेज. तो फोर्स, टॉर्क अथवा डिस्प्लेसमेंट मापवा माटे एनो यूज थाय छे. पोटेन्शियोमीटर डिवाइस, तो प्रेशर अथवा डिस्प्लेसमेंट मापवा माटे यूज थाय छे. पीरानी गेज अथवा हॉट वायर एनेमोमीटर, गैस प्रेशर अथवा गैस फ्लो एनी मददथी मापी शकाय. रेजिस्टन्स थर्मोमीटर, तो टेम्परेचर, रेडियंट हीट वगैरह मापवा माटे यूज थाय छे. थर्मिस्टर टेम्परेचर मापवा माटे यूज थाय छे. आनी अंदर पेसिव ट्रांसड्यूसर में पहलू हतुं आपणुं रेजिस्टन्स ट्रांसड्यूसर, बीजू आवशे कैपेसिटन्स ट्रांसड्यूसर. तो आ जे पांच चार प्रकार दर्शावेला छे ए कैपेसिटन्स ट्रांसड्यूसर छे, जेमां फर्स्ट छे डाइइलेक्ट्रिक गेज अथवा लिक्विड लेवल गेज.
ये लिक्विडनु लेवल मापवा माटे अथवा थिकनेस मापवा माटे यूज थाय छे। कैपेसिटर, माइक्रोफोन तो स्पीच, म्यूजिक अथवा अवाज मापवा माटे यूज थाय छे। वेरिएबल कैपेसिटन्स प्रेशर गेज तो ये डिस्प्लेसमेंट अथवा प्रेशर मापवा माटे वपराय छे। अने टॉर्क मीटर साफ टॉर्क मापवा माटे वपराय छे। थर्ड आवशे इंडक्टन्स ट्रांसड्यूसर, जेनी अंदर आ चार प्रकार नीचे दर्शावेला छे। एलवीडीटी टाइप प्रेशर गेज प्रेशर मापवा माटे यूज थाय छे। रिलक्टन्स टाइप प्रेशर डिस्प्लेसमेंट के ध्रुजारी मापवा माटे यूज थाय छे। एडी करंट गेज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वगैरह मापवा माटे यूज थाय छे। अने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन गेज फोर्स प्रेशर अथवा साउंड मापवा माटे वपराय छे। सेकंड आवे छे एक्टिव ट्रांसड्यूसर अथवा सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, जेनी अंदर चार प्रकार अहींया आगळ दर्शावेला छे। એમાં પહેલું છે થર્મોકપલ અને થર્મોપાઇલ વગેરે, તો એ ટેમ્પરેચર, રેડિયેશન, હીટ ફ્લો વગેરે માપવા માટે યુઝ થાય છે। મૂવિંગ કોઇલ જનરેટર વેલોસિટી અથવા ધ્રુજારી માપવા માટે વપરાય છે। પીઝો ઇલેક્ટ્રિક પિકઅપ સાઉન્ડ, ધ્રુજારી, એક્સેલરેશન વગેરે માપવા માટે યુઝ થાય છે। અને ફોટોવોલ્ટેઇક સેલ લાઇટ મીટરમાં વપરાય છે। આ ઉપરાંત ટ્રાન્સડ્યુસરનું વર્ગીકરણ મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને એનાલોગ ટ્રાન્સડ્યુસર તરીકે પણ કરી શકાય। મિકેનિકલ ટ્રાન્સડ્યુસરમાં જે પણ ઇનપુટ આપવામાં આવે છે તેનું મિકેનિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ઝન થાય છે। ફોર એક્ઝામ્પલ બર્ડન ટ્યુબને જોઈએ તો એના ખુલ્લા છેડા પર પ્રેશર આપવામાં આવે છે, ત્યારે એનો બંધ છેડો જે હલનચલન માટે ફ્રી હોય છે તે ખસે છે। થેન્ક યુ।